If you remix any other song, Lata Ji ka gaana, main 100% hargiz nahi karunga. Okay. And jo aajkal kar rahe hain, mujhe lagta hai ki unke paas creativity nahi hai, isliye wo kar rahe hain. Kyunki you want to challenge Lata Ji or you want to challenge Madan Mohan Ji, jinhone compose kiya us cheez ko. 2018 mein jab flood aaya tha, to mere khayal se log wahan se palayan kar rahe the aur Sadar Ji wahan pe pahunche hue. To sarvdam, matlab this is the biggest thing, mere rongte khade ho rahe hain. Matlab this is so sweet thing that people are going out of there and you're going there to serve people. Hindustan mein ek thodi si slave mentality hai jab se jo angrez chhod ke chale gaye, ki aapko jo bhi diya jata hai aap usko usme izafa nahi chahte. You feel that this is the fine, this is the best. Do line paaji ka jawab ho gayi teri balle balle ho jayegi balle balle aahat chak 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 aahat chak 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 chak. So main kya ji, sat sri akaal mere wallon Daizy Goyal de wallon te aaj main kalli nahi aayi, tusi vekh rahe ho. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 90s ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰੀਅਨਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਆਰੀਅਨਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਸੜੂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਇਟਸ ਅ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸੋ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ 90s ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਟਸ deteriorating day by day. Yes. Very sad to say that. But जो मेलडी हम लोग देते थे और हमारे साथ में जो लकी अली थे बाकी जितने भी वहाँ पे थे तो मेरे ख्याल से वो जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कल्चर है वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में फिर से लौटना चाहिए. Okay. And now the whatever music is happening is not music at all. मतलब ये म्यूजिक यू आर सेइंग कि डिटेरियोरेटिंग, ये किस वजह से हो रहा है? मतलब हमारी ऑडियंस की वजह से या फिर हम ही अपनी ऑडियंस को ऐसा म्यूजिक दे रहे हैं कि ऑडियंस को वही पसंद करना पड़ रहा है या फिर उस वजह से वो डिटेरियोरेट हो रहा है? 101% आपने बिल्कुल बुलसाई पे आपने वो मारा है कि पहली चीज़ तो ये हम दे ही रहे वही रहे हैं जो हिंदुस्तान में एक थोड़ी सी स्लेव मेंटेलिटी है जब से जो अंग्रेज छोड़ के चले गए, कि आपको जो भी दिया जाता है आप उसको उसमें इजाफा नहीं चाहते. यू फील दैट दिस दिस द बेस्ट. तो मुझे लगता है कि जो देने वाला है और जो सुनने वाला है उसको दोनों में वर्सटाइलिटी और होना चाहिए और ऑप्शंस भी और होना चाहिए. और हैं लोग, ट्राई नहीं करते. दे शुड ट्राई एंड आई एम ट्राइंग इट. Yes. From my end. And जितने मेरे और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो मैं चाहूँगा कि वो भी अपना जो भी जितना भी अच्छा आप गाना बनाओ यू ऑल्सो गेट इट एंड रिलीज इट एंड लेट पीपल वॉच यू लेट पीपल सी द ऑप्शंस आर अवेलेबल. यस एग्जैक्टली. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंग, तो आजकल ट्रेंड आ गया है रीमिक्सिंग का. तो अगर मैं आपसे पूछूँ अपने गानों को या फिर उस 90s के म्यूजिक को अगर रीमिक्स करने का मौका मिले तो आपके क्या विचार होंगे? मेरे गाने अगर मैं रीमिक्स करूँ तो इट्स नॉट प्लेजर. Okay. But if you remix any other song, Lata Ji ka gaana, main 100% नहीं, हरगिज़ नहीं करूँगा. Okay. And जो आजकल कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, इसीलिए वो कर रहे हैं. क्योंकि यू वॉन्ट टू चैलेंज लता जी और यू वॉन्ट टू चैलेंज मदन मोहन जी जिन्होंने कंपोज किया उस चीज़ को, कि यू कैन डू इट बेटर. यस. नो नो वे. अगर करना है तो उन्हीं को करना चाहिए. ओके. एंड यू आर पुटिंग जैसे ये तो ऐसा हो गया कि किसी के बंगले के सामने आपने जाके अपना नेम प्लेट लगा दिया. अपना नेम प्लेट. दैट इज रॉन्ग. आई टोटली डिसएग्री टू डूइंग रिमिक्सेस. अगर आपको रिमिक्स करना तो अपने गाने के कर सकते हैं, अपने गाने, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्सस सॉन्ग. सो ओके सर, अभी अगर हम बात करें हिंदी म्यूजिक के बाद, बॉलीवुड म्यूजिक के बाद, यू आर कमिंग इनटू द पंजाबी इंडस्ट्री. सो हाउ यू आर फीलिंग, हाउ फैसिनेटिंग पंजाबी इंडस्ट्री इज? मतलब आप पंजाबी इंडस्ट्री में व्हाई आर यू कमिंग, इसका रीजंस क्या रहे हैं? पंजाबी नॉट ओनली इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, आई थिंक पंजाबी इट्सेल्फ, जो पीपल, द कल्चर, द जज्बा, एवरीथिंग इज, आई नो, मतलब आपकी दिलेरी, आप लोगों के जो करने की जो सर्विस. एंड बिगेस्ट थिंग विच आई एम इंस्पायर्ड ऑफ इज अगर फ्लड, आई एम बेसिकली फ्रॉम केरला. Okay. जो 2018 में जब फ्लड आया था तो मेरे ख्याल से लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे और सरदार जी वहाँ पर पहुँचे हुए. तो सर्वदम, मतलब दिस इज द बिगेस्ट थिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मतलब दिस इज सो स्वीट थिंग दैट पीपल आर गोइंग आउट ऑफ देयर एंड यू आर गोइंग देयर टू सर्व पीपल. दिस इज अ वेरी, इसलिए मुझे, मैं चाहता था कभी ना कभी अगर मौका लगे तो मेरे तरह के, क्योंकि आई एम नोन फॉर माई USP इज गुड लिरिक्स एंड सिंपल मेलेडी. अरे वाह, वो हमारा USP है. वो USP तो मैं जिंदगी भर तहे जिंदगी छोड़ने वाला नहीं होगा, है ना. उसी में अगर मैं पंजाबी कर सकता हूँ तो मेरे आप लोगों के लिए एक सैल्यूट होगा मेरी तरफ से. इट्स अ डेडिकेशन टू ऑल यू ब्रेव हार्ट्स. ओके ओके. सो सर, इट्स अ न्यू स्टार्ट. मतलब आपको क्या क्या फ़र्क लगता है, एक हिंदी लिरिक्स और एक पंजाबी लिरिक्स? आर यू फीलिंग कि कुछ डिफरेंस होता है हिंदी म्यूजिक करने में और पंजाबी म्यूजिक करने में? क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं? मेरे ख्याल से म्यूजिक में कोई लैंग्वेज नहीं है. यू कैन लव
love a Korean song if it is nice. Okay. You can love a Western song. You can love a, you can like a Malayali song. You can, जी. I mean beats. एक हिंदी song की अगर हम beats की बात करें और पंजाबी songs की अगर हम beats की बात करें, do you feel so कि उसमें कुछ कुछ differences होते हैं? Beats की अगर बात करते हैं तो पंजाबी को कोई तोड़ी नहीं है, because 100% at this time you Punjabi music the only music when people want to dance तो Punjabi music और निकलता ही नहीं कुछ. Exactly. है कि नहीं? So sir, फिर बस दो लाइना हो जाए मरे जी पंजाबी music दी. आपको अगर मैं मतलब sorry to interrupt वैसे अगर मैं होर किन्ने सबूत ले आवा तो अगर मैं वखरा कुछ पूछा होर केड़ा तनु गाना आंदा हैगा पंजाबी दे विच जेड़ा असि अपनी ऑडियंस नु सुना सकिए दो लाइन पाजी का जवाब हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले आहत टिक नक टिक टिक नक आहत टिक नक टिक टिक दैट्स इट तो ओके तो सर अगर मैं आपसे पूछूं मतलब यूजुअली आप इस गाने पे डांस करते हैं बिकॉज़ आपने जिस फील से वो गाया आई फील सो कि आप इस पे गाने पे डांस करते हैं ये गाने में अगर आपको फील चाहिए तो डांस ही है ना तो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि डांस के लिए अगर कोई गाना है या कोई म्यूजिक लगाने के लिए बोलता भी है तो पंजाबी के अलावा कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं है ओके आई लव टू डांस इन दिस नंबर नो शेम इन दैट ओके सो सर बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको सम अप करते हुए तो इस गाने के अगर मैं लिरिक्स पूछूं मतलब आपने खुद लिखे हैं लिरिक्स तो उस पंजाबी को लिखने में आपको कुछ लगा कि पंजाबी में कुछ क्योंकि आप बेसिकली केरला से हैं राइट सो आप हिंदी में मेरे को लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे सो उस पंजाबी को लिखने में आप नहीं इतने कंफर्टेबल थे तो आपके वो लिरिक्स कैसे काम किए मतलब एक वर्ड्स जो आते हैं हमारे अंदर से आते हैं सो हाउ डिड यू मतलब रोट दैट सॉन्ग ये जो दो लाइन्स हैं इसके मैंने हिंदी में ही लिखे थे और मैंने दो दो लाइन्स जो पहले वाले हैं और उसको मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट मेरे दोस्त से करवाया था और जब मैंने गा के देखा तो पंजाबी वाला जो वर्जन था वो ज़्यादा वजनदारी था मतलब वो वाला पन्ना ज़्यादा भारी लग रहा था तो मुझे लगा कि ये गाना पंजाबी में होना चाहिए देन आई मेड द थीम ऑफ द सॉन्ग एंड आई आस्क्ड दीक्षा डुडेजा इन्होंने लिरिक्स लिखा पूरा तो उनसे मैंने ये मैसेज भेजा कि यार मेरे को इस टाइप का थीम चाहिए और अंतरे ऐसे होने चाहिए आई सेंड द थीम देन शी रोट द लिरिक्स एंड बहुत सारे 8 महीना लग गया मुझे कंप्लीट करने में बट आई गॉट इट नाउ आई एम सैटिस्फाइड नाउ सो सर आप अभी आ ही रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला गाना तो आ ही चुका है आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सो आगे हम आपके और सारे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाबी में 101% जैसे मैंने उससे पहले बोला कि कोई म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है एंड कल मैं चंडीगढ़ में उतरा हूँ और इतना प्यार इतना सम्मान इतना आप लोगों ने दिया है एंड आई लव द ऐसा इज दैट दैट आई लव पंजाबी पीपल आई लव पंजाबी बोली तो बात ही नहीं है तो फिर आगे आपने जितना प्यार दिया उसके हिसाब से तो मुझे बनाना ही पड़ेगा और इससे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा मैं चलो फिर जानते जानते होर किन्ने सबूत ले आवानियां दो लाइनां हो जाए बिल्कुल जी मीठा मतलब दिस इज इट इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन सदू म्यूजिक चैनल होर किन्ने सबूत ले आवां खाक हो जावांगा गल सुन ले मैं तेरे नाल जीना चांदा मैं तेरे नाल मरना चांदा मैं तेरे नाल जीना चांदा मैं तेरे नाल मरना चांदा बहुत सारा प्यार मेरे वालों भी ते पंजाबियों के वालों भी चंडीगढ़ के लोगों वालों भी ते पूरे पंजाब वालों भी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी बाय बाय